एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शिवचरण पटेल के साथ बड़ी संख्या में सरपंच और सचिव एक ज्ञापन सौंपने के लिए दमोह जिला मुख्यालय पहुंचे थे। दरअसल हटा विकासखंड क्षेत्र हटा जनपद पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायतों के में होने वाले कार्यों को लेकर के खबरों का प्रकाशन पत्रकारों के द्वारा किया गया था और उन खबरों के प्रकाशन के पश्चात एक जांच कमेटी का गठन किए जाने के पश्चात उन मामलों पर जांच की जा रही थी और इसी के बाद यह ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल के साथ सरपंच संघ के अध्यक्ष सचिव संघ के अध्यक्ष सहित अन्य लोगों की भी मौजूदगी रही। रिपोर्ट एशियन न्यूज। आज हम लोग मीडिया का यह चौथा स्तंभ है जिसका हम हृदय से सम्मान करते हैं और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, मगर मीडिया की आड़ में जो कुछ छोटे पत्रकार हैं जिनका न रजिस्ट्रेशन है न कुछ है, मीडिया को बदनाम करने के लिए 181 लगाते हैं और पैसे वसूली करने की बात करते हैं, फर्जी न्यूज निकाल करके सरपंच सचिव पर दबाव बना करके फर्जी वसूली करते हैं ऐसे, और वहाँ जा कर के कई ऐसे हैं जो वीडियो बना करके डाल के दबाव बना करके वसूली करते हैं। इस अवैध वसूली और फर्जी पत्रकारों के विरोध में हम सभी जनपद के सभी जनपद सदस्य रोजगार सहायक और सरपंच और जनप्रतिनिधि आज माननीय कलेक्टर महोदय एसपी साहब के लिए ज्ञापन देने आए हैं कि निश्चित ही जाँच हो। जाँच के लिए सभी सरपंच तैयार हैं मगर जिस जो ओरिजिनल जाँच है जांच के लिए तैयार सब लोग रहते हैं मगर पत्रकार फर्जी पत्रकारों की जांच के लिए हम लोग सब एकत्र होकर आए हैं और अब ऐसा नहीं चलेगा कि मीडिया की आड़ में नकली लोग पैसा कमाएं। तो ये पैसा कमाना वसूली बंद कराने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। अब स्वागत होगा पत्रकारों का, नकली का काम बंद होगा। अब हटा में तो नकली नहीं कार्ड नहीं चलेगा, जो असली होंगे उनका सम्मान होगा, गौरव है, हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जो मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, सभी मीडिया बंधुओं का हम सभी सरपंच सम्मान करते हैं, लेकिन मीडिया को बदनाम करने के लिए कुछ अनाधिकृत पत्रकार हैं जो हम सभी सरपंचों के लिए ब्लैकमेलिंग करते हैं, पैसा मांगते हैं और झूठी पैसा ना देने पर झूठी शिकायतें दर्ज करवाते हैं। इस संबंध में कलेक्टर महोदय को अवगत कराया कि इस तरह का जो खेल चल रहा है पत्रकार बंधुओं को बदनाम करने का, इस संबंध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। जो पैसा ना देने के पैसा ना दो मीडिया कर्मियों को, फर्जी मीडिया कर्मियों को, तो 181 की झूठी शिकायतें की धमकी देते हैं। क्या कलेक्टर महोदय ने ज्ञापन लिया है, आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। जैसे अफवाह है, शशिकांत पटेल सरपंच संघ का अध्यक्ष जनपद पंचायत हटा सरपंच देवरागढ़ी। सचिव लोग हटा जनपद से सचिव और सरपंच वगैरह आए हुए थे, जिनकी मांग ये थी कि बहुत सारी जो है तथ्यात्मक खबरें ना होके भ्रामक और अन्य खबरें निर्माण कार्य की कुछ पत्रकारों द्वारा प्रकाशित करी जा रही हैं, जिसके आधार पर हमारी छवि खराब होती है, साथ में जो जांच टीमें जो गठित की जाती हैं उनका दबाव दिखा के कि हम इस तरह से आपका नुकसान कराएंगे, ये वो इसी को लेके इसी मुद्दे को लेके आए थे, तो उनका जो ज्ञापन स्वीकार किया गया और वस्तु स्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया। राहुल राखिया। स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। राखियों में है दम, दिल्ली मुंबई से है रेट कम।
मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमोह ब्रांच सत्कार होटल के नीचे, राहुल राखियां।